नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज है रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार, तो इस त्यौहार की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन से हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं गठबंधन के ऊपर। गठबंधन की राजनीति एकदम कुकुरमुत्ते की तरह हमारे देश में उग आई है और इसी कुकुरमुत्ते की तरह पीएम पद के दावेदार भी उग आए हैं। तो पीएम पद के जो तमाम जो दावेदार हैं उनमें एक नया नाम शामिल हो गया, नीतीश कुमार, जो कि पलटू चाचा या पलटू राम के नाम से बहुत ज्यादा विख्यात हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल 8वीं बार नीतीश कुमार जी ने बिहार के सीएम पद की शपथ ली है और इस बार सुशील मोदी को डिप्यूटी सीएम नहीं, तेजस्वी यानी कि लालू पुत्र जो है वो डिप्यूटी सीएम बने हैं। 2015 में भी यही गठबंधन था, आरजेडी जेडीयू साथ में थे, फिर सडनली करप्शन वगैरह के चार्जेस आए, फिर अचानक से उन्होंने आरजेडी को छोड़ा, फिर बीजेपी की गोद में आ गए, फिर मोदी के नाम से चुनाव लड़ा और अब वही नीतीश कुमार जी लौट के बुद्धू घर को आए वाले फंडे के तहत फिर से आरजेडी के खेमे में जा चुके हैं। वो आरजेडी के नेता कहिए या वो लालू पुत्र कहिए, जो नीतीश कुमार को पता नहीं क्या क्या सांप कपटी धूर्त मक्कार झूठा पता नहीं क्या क्या बोला करते थे। आप खुद सुन लीजिए, ये लोग जो आज नीतीश कुमार को चाचा चाचा बोल रहे हैं, इन लोगों की राय नीतीश कुमार के बारे में क्या थी। सदन में बैठ के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है, बड़का झूठा पार्टी से बड़का झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का, इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया। लालू पुत्र या फिर लालू पुत्र की पार्टी के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार के बारे में क्या राय रखते थे, ये तो आपने सुन लिया। खैर, हम लालू पुत्र से अपना फोकस जो वो नीतीश कुमार पर शिफ्ट कर लेते हैं। नीतीश कुमार जी खुद को देश का पीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जो कि इतने सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं पॉलिटिक्स में, उन्हें इतना सा ज्ञान तो होना चाहिए कि वो अकेले नहीं है जो ये सपना पाले बैठे हैं कि वो देश का पीएम बन जाएंगे। भाई, देश का पीएम बनने के लिए जो लाइन लगी है ना, वहां पर राहुल गांधी पहले से खड़े हैं, उनके साथ साथ शरद पवार हैं, अखिलेश है, माया है, ममता बनर्जी है, केजरीवाल है और साउथ के भी इक्का दुक्का नेता जैसे वो चंद्रबाबू नायडू कहिए और इन सब के बाद अब नीतीश कुमार भी है। तो मतलब नीतीश कुमार उस लाइन में लगे हैं जो लाइन ऑलरेडी लंबी होती चली जा रही है और नीतीश कुमार ने ये जो खेला किया है, ये खेला करके उन्होंने कोई बहुत अच्छा नहीं किया है, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी अपनी इमेज सबको तार-तार करके रख दिया है। साथ ही साथ हमारे जो मीडिया के लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी भी हिपोक्रेसी सामने ला करके रख दी है। मीडिया के ऐसे बहुत सारे लोग जो अभी कुछ देर पहले तक महाराष्ट्र में जो खेला चल रहा था उसे लोकतंत्र की हत्या बोल रहे थे, बताओ बीजेपी ये कर रही है वो कर रही है, लेकिन अब जब बीजेपी के साथ बिहार में खेला हो गया तो सडनली पूरे लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम में दिवाली और जश्न का माहौल शुरू हो गया। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वाह 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 मजा आ गया मजा आ गया। ये मजा तब कहां चला जाता है जब बीजेपी ये खेला करती है। जब बीजेपी खेला करे तो गलत, तो कैरेक्टर ढीला, लेकिन बीजेपी के साथ अगर खेला हो जाए तो वाह 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 मस्त रासलीला वाला माहौल होता है। तो ये कहीं ना कहीं दोगलापन है मीडिया के लोगों का। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे ने जो सरकार बनाई वो अलोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन यहां पर जो सरकार बन गई है आरजेडी और जेडीयू की, वो संवैधानिक सरकार है। भाई साहब, गजब दोगलापन है मीडिया के लोगों का, सच्चे पत्रकारों का। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिस तरह से पीएम पद के जो दावेदार हैं लिस्ट लंबी होती चली जा रही है, इसे अगर हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो भैया रोटी है एक, ठीक है, और खाने वाले हैं अनेक। अब किसके हिस्से में कितना बड़ा रोटी का बाइट आएगा, ये आप खुद समझदार है समझ जाइए कि इन लोगों ने, ये जो पीएम पद के जो तमाम दावेदार आ रहे हैं, इनको पता है कि अपने बूते नहीं जीत सकते। जैसे अखिलेश माया से लड़ा करते थे या फिर जेडीयू आरजेडी से लड़ा करती थी या फिर बंगाल में टीएमसी कांग्रेस आपस में लड़ा करते थे, अब ये सारे के सारे लोग एक साथ आ चुके हैं, मतलब भूखे भेड़िए सब एक झुंड बनाकर इकट्ठे हो चुके हैं और इन्हें देश की फिक्र नहीं है, इन सबको पावर चाहिए, सब पावर हंग्री लोग हैं ये। और इनकी ये जो सच्चाई है ना, ये सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार कभी बाहर लेकर के नहीं आएंगे, क्योंकि आजकल पत्रकारिता जो है वो खेमे में बढ़ चुकी है। लोगों को गोदी मीडिया तो दिखता है, लेकिन जो पिद्दी मीडिया है या जो भेड़िया मीडिया है या जो चाटुकार मीडिया है, उसके बारे में किसी के मुंह से चू तक नहीं निकलेगा। इनफैक्ट आप देखिएगा इसी वीडियो के नीचे आके लोग भक्त बोलेंगे, गोदी मीडिया बोलेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, लेकिन क्या वो खुद आपिया मीडिया या फिर लालू मीडिया के या फिर ममता मीडिया के लोग नहीं है क्या? वो भी तो किसी न किसी मीडिया के लोग होंगे ही ना। जाहिर तौर पर अगर आप ये कहते हैं कि भैया डीएसके तुम बीजेपी को सपोर्ट करते हो, तो भाई आप भी तो किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते ही होगे ना। अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट करके भक्त बन जाता हूं तो आप केजरीवाल को सपोर्ट करके आपिया नहीं बनते हैं क्या? या फिर पप्पू पार्टी को सपोर्ट करके आप पापिया नहीं बन रहे हैं क्या? आप बन ही रहे हैं ना, पापिया बन रहे हैं, आपिया बन रहे हैं, चमचिया बन रहे हैं,
लेकिन आप खुद नहीं देखेंगे आप क्या बन रहे हैं, लेकिन दूसरे आपकी नजर में भक्त बन जाते हैं। तो भाई ठीक है, भक्त होना ठीक है भैया, हम स्वीकार कर लेते हैं हम भक्त हैं। क्या आप स्वीकार करोगे कि आप आपिया हो, पापिया हो, या चूचिया हो, या फिर चमचिया हो? स्वीकार करने का दम हो तो स्वीकार कर लीजिएगा, उसके बाद आप दूसरों पर आरोप लगाइएगा। कमेंट करके बताइएगा आप अपने ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।